तो आज का मेरा जो व्लॉग है वो स्पेशल होने वाला है। स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि जो यूट्यूबर है और यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो खास करके ये वीडियो मैंने उन्हीं के लिए बनाया है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम स्टार्टिंग में कोई भी काम करते हैं या यूट्यूब का जो काम करने वाले हैं, आप भी इस तरीके से व्लॉग बनाना चाहते हैं या शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप अपने घर को किस तरीके से स्टूडियो बनाया। तो मैंने अपने ही घर को, एक छोटा सा हॉल है उसको मैंने डेकोरेशन किया, और डेकोरेशन में ये सब पार्टी मैं बताऊंगी कि कौन कौन सा गैजेट आपको यूज़ करना है और यूट्यूबर बनने के लिए सबसे पहले जो चीज़ होगी वो होगा ट्राइपॉड और कैमरा। तो उसका मैं लिंक आपको मेरे इस चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए मैं दिखाना चाहूँगी कि मैंने अपने ही हॉल को किस तरीके से यूट्यूब का स्टूडियो बनाया। तो सी गाइस, तो गाइज आप देख सकते हैं, आप अपने घर को ही, अपने हॉल में कोई पुराना हॉल है या आपके घर के अंदर के हॉल को भी आप यूट्यूब स्टूडियो बना सकते हैं। तो ये मेरे ऊपर में रूफ वाला एक रूम है जिसको मैंने करेंटली अभी इसको पेंटिंग कराई, ये वाली रूम को, और एक रूम और भी है तो इसको मैं, इसका व्यू आपको दिखाना चाहूंगी। ये आप देख सकते हैं, इसका कलर मैंने थोड़ा सा हल्का सा ग्रे में कराया ताकि फोकस जो कैमरा का जो फोकस हो, लाइट वो थोड़े से ब्राइटनेस दिखे। और ये वाले कलर को मैंने मल्टी कलर कराया है, और अभी डेकोरेशन मैंने स्टार्ट नहीं किया है। आप देख सकते हैं सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है क्योंकि ये अभी पेंट हुआ है हमारे घर में। तो इसको मैं अपना यूट्यूब चैनल के लिए मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये स्वीप रखा हुआ है, और इससे सबसे पहले तो मैं क्लीन करूँगी क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं क्लीनिंग करती हूँ। मैं आपको पर्दों को पूरे लगाने के बाद, कर्टेन को लगाने के बाद इसका लुक दिखाऊंगी कि हमारा हॉल कैसे लग रहा है। और ये ऊपर सीलिंग का कलर डार्क ग्रे, और डार्क ग्रे में ये फैन भी है। और ये बड़ा सा मैंने हॉल को पूरा इस तरीके से क्लीन कर लिया है, और बैकग्राउंड किस तरीके से होगा ये मैं आपको ये पर्दा लगाने के बाद बताऊंगी। ये देख सकते हैं, ये ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन में मैंने कर्टेन लगाया, और ये है मेरा सेंटर वाला। और यहाँ पे मेरे पास जो गद्दा था, जो बेड वाली, उसको एक्स्ट्रा पड़ा है तो इसको मैं डेकोरेशन करूँगी। और ये जो बैक साइड वाला जो वॉल है उसको मैं भी डेकोरेशन करूँगी। तो चलिए हम देखते हैं ये व्यू को पहले। ये व्यू काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये कर्टेन के साथ, और मैं थोड़े से फ्रंट से मैं दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं मैं कम से कम 12 बजे सेकंड टाइम से मैं पूरा बिल्डिंग में ये डेकोरेशन करने के लिए। तो ये ही हूँ मैं इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा है जिसको मैं वॉल पर डेकोरेशन करने वाली हूँ। आप जैसे भी चाहें उस तरीके से आप लगा सकते हैं, और इसका लिंक मैं आपको सबको शेयर कर दूंगी। और इसको मैंने अमेजोन से परचेज किया है, और काफ़ी फ्लेक्सिबल है और बहुत अच्छा है। चलो खुशी हेल्प करेगी क्या मम्मा का? आप देख सकते हो मेरी बच्ची भी आ गई है, और ये तो परेशान करने में कोई कदर नहीं छोड़ती है, और इसको मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ। सो गाइस इसे देख सकते हो, यू कैन सी दैट। ये आप देख सकते हैं बैकग्राउंड के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, काफी प्यारा और अच्छा लग रहा है। और नीचे मेरा ये सेक्शन बच गया है ये गद्दे का, तो इसको मैं कवर करूंगी थोड़ी देर में। और इस तरीके से आप भी अपने घर को यूट्यूब चैनल आप का क्रिएट कर सकते हैं, स्टूडियो बना सकते हैं, और काफी प्यारा और अच्छा लग रहा है। और कोशिश करें कि आप भी अपने घर में जो कलर होगा, कलर कॉम्बिनेशन वो एकदम ब्राइट कराए ताकि आपका जो कैमरा में फोकस हो और लाइट भी व्हाइट हो, तो उससे क्या होगा आपकी कैमरा का जो फोकस है उसके फेस में आएगा और काफी अच्छे से वीडियो बनेगा। और ये वाले भी सेक्शन मेरा रिमेन बचा हुआ है, ये बीन बैग और ये सारी चीजें, तो इसको मैं थोड़ी देर में कवर करूंगी क्योंकि आज मैं 12 बजे से काम कर रही हूं, मैं बहुत ज्यादा थक भी गई हूं। तो सो गाइस आगे वीडियो में ये सारी लोकेशन मैं आपको बताऊंगी। थोड़े से लोकेशन मैं यहाँ का भी दिखा देती हूँ, ये मेरे स्टेयर वाला सेक्शन है। तो सो गाइस वन मिनट, तो ये आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट की हूँ। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप गैलरी के कॉर्नर को भी अपने
बैकग्राउंड के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने भी इसको अपने बैकग्राउंड करने के लिए यहाँ पे मैंने प्लांट लगाया है, और जो थर्माकोल दिख रहा है, जो पुराने पंखे का जो रहता है उसका थर्माकोल, तो उसमें मैंने इसको इस तरीके से बनाया। आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा और अच्छा लग रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो कवर है वो पॉलीसीटर कवर है, जो एक मेरा पुराना जो चेयर था उसके लिए मैंने मंगवाना है। इसको आप इस तरीके से बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जिसको आप इजिली इस तरीके से कवर को लगा सकते हैं और काफी अच्छा लग रहा है। तो इसका व्यू आप देखें। अच्छा मम्मा एक सीट जाती है। हां हां एक सीट। वाओ कितना प्यारा है यार, ये आप देख सकते हैं। वाओ चलो मैं इसको फिर से। वाओ चलो घूमना खुशी। तो गाइस ये है स्टिकर जिसको मैं स्टेयर में लगाने वाली हूँ। ये है ट्राइबल लेडी का स्टिकर और काफी अच्छा है। इसको वन बाय वन आप इसका आपके घर के अंदर स्टेयर है तो इसको आप यूज कर सकते हो और इजीली आप लगा सकते हैं इस तरीके से। और उसमें नंबरिंग दिया रहता है जिसको वन वन से टू ऐसे इस तरीके से नंबर के साथ आप देख सकते हैं। और इसको मैंने परचेस किया है मीशो से, सारे लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो पूरा ये मैंने स्टेयर में लगाने के बाद मैं आपको इसका व्यू दिखा। स्टूडियो पूरा मैंने डेकोरेशन कर लिया, तो एक एक पार्ट मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं स्टेयर पार्ट को लेती हूँ। तो मैंने इस तरीके से पॉट के साथ डेकोरेशन किया है, और ये है ट्राइबल लेडी, ये स्टिकर है जिसको मैंने मीशो से परचेज किया है। तो ये सब सारे लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक गैलरी है जिसको मैंने छोटे छोटे से पॉट्स के साथ इसको और बकेट वाली जो होती है हैंगिंग प्लांट उसके साथ मैंने डेकोरेशन किया। तो ये अपने बैकग्राउंड में इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंड यहाँ स्टेयर में आप देख सकते हैं ट्राइबल लेडी का काफ़ी अच्छा ये स्टिकर मुझे मिला, जो बहुत ही प्यारा है। तो ये भी आप अपना बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से मैंने इसने स्टेयर को एक प्लास्टिक से प्लांट के साथ मैंने डेकोरेट किया है। और आपके घर में इस तरीके से कॉर्नर प्लेस होगा तो उसमें इस तरीके से एरिका प्लांट लगा के भी आप अपने बैकग्राउंड के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपने एंट्रेंस में जो मैंने अपने स्टूडियो बनाया उसके घर का, तो ये मैंने लिया है, इसको भी मैंने लिया है वेलकम टू आवर होम। तो चलिए मैं अपनी इस स्टूडियो को इस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगी। गाइज मेरा ये घर वाला यूट्यूब स्टूडियो आप सभी को पसंद आ गया होगा, तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दे। तब तक के लिए मैं दिवा शर्मा, टेक केयर एंड बाय।